दोस्तों ये हम हैं और ये मंटू सर का स्टूडेंट है, तो एक बार कमाल दिखा दो। बिल्कुल आज लग रहा है मुझे रियल में कि भाई घूमने का मजा रियल में आता है। देख सकते हैं नजारा का। और आज इसका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हाथ मिलाओ। तो दोस्तों आज है 8 सितंबर और आज हम जा रहे हैं राजगीर घूमने। बहुत दिनों के बाद राजगीर जा रहे हैं। हाँ। वैशाली जा रहे हैं घूमने के खुशी में, जगह का नाम ही भूल जाते हैं। क्या बताए दोस्त, सही में, क्योंकि काम करते करते तो पूरा हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कभी घूमने का नहीं मिलता है मौका। और आज मेरा दोस्त का लड़के का है बर्थडे, तो वैशाली जा रहा है बर्थडे मनाने और बोला है, बहुत रिक्वेस्ट किया था, बोले चलो यार जिंदगी भर तो काम ही काम करना है, चलो आज घूम लेते हैं। इसलिए आज भाई का लुक देख सकते हो, बिल्कुल सजे संवरे हैं और चल रहे हैं। आप तो सजे संवरे हैं लड़की के चक्कर में, वहाँ पे ढेर सारा लड़की आती है साहब। अच्छा हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है, आप लोग कमेंट करना। और ऐसा हर पत्नी को लगता है कि पति जो है बाहर में घूमने जाता है तो लड़की को ही देखने जाता है, ऐसा कुछ नहीं यार। सोचना चाहिए कि इतने दिन के बाद जो है काम करने के बाद जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मिजाज फ्रेश होगा और इंशाल्लाह हो सके तो इसको भी कभी कहीं कहीं घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन अभी जो है हालात ले जाते हैं घुमाने, आप झूठ बोलते हैं। अच्छा ले जाएंगे, अभी हालात जो है बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। जैसे आप सभी को पता होगा कि पेमेंट जो है मेरा नहीं आने वाला है इस महीना यूट्यूब का, तो बहुत ज्यादा टेंशन है पहले से ही। बट कोई बात नहीं यार, टेंशन तो आते जाता रहता है, दुख सुख भाई बहन है, आता है और जाता है। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल आज वैशाली का नजारा दिखाते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा वहां पे और यही DSLR से ही शूट करेंगे। आज लग रहा है मुझे रियल में कि भाई घूमने का मजा रियल में आता है। देख सकते हैं नजारा काफी ज्यादा शानदार है और ये जो गौतम बुद्ध है, हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं कैसा दिख रहा है, ये देखिए जूम करके। और ये हमारे सर रहे हैं यहाँ पे, खाली फोटो शूट के फेम रहते हैं, खाली फोटो इनको चाहिए। और ये देखिए फोटो खिंचवाने के लिए पूरा लाइन लग गया, मंटू सर का स्कूल आदित्य वर्ल्ड। और आज इसका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हाथ मिलाओ। थैंक यू। तो देख लीजिए भाई इसी का बर्थडे, इधर देखो। हेलो बाबू, टाटा कर दो। तो फैनी जो है फोटो शूट करते करते यहाँ पे आ गया है बारिश और हम लोग इसमें लुकाए हुए हैं, देख सकते हैं। और बारिश में हम लोग यहाँ सारा बच्चे के साथ रुके हुए हैं और विधान सर यहाँ भी फोटो खिंचवा रहे हैं, देख सकते हैं। और फिलहाल काफी ज्यादा घूमने वाला जगह है, तो आप लोग यहाँ पे आइएगा घूमने के लिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार जगह है। और यहाँ देखा गया हम लोग का जो भी टॉप जगह है, तो यही है घूमने वाला। इसके बाद जो है पटना है, तो नजदीकी के लिए बहुत बेस्ट है और पटना जो है सब तो घूमना ही वाला जगह है। ये हम है और ये मंटू सर का स्टूडेंट है, तो एक बार कमाल दिखा दो। बिल्कुल बस काफी ज्यादा हो गया, एक बार और मजा आ रहा है घूमने में। yes! और भी घूमना है। yes! तो यही खाली फोटो कितना है, चलो और कहीं घुमा जाए। yes! तो चलो चलते हैं, चलो दौड़ कर। दोस्तों काश हम भी बच्चे रहते और इतना एंजॉय कर पाते बच्चों लोग के साथ में, काफी ज्यादा बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग तो क्या बताएं, सियाना होने के बाद में जो है बचपना खत्म हो जाता है, ऐसा उमंग मजा आता ही है ना कि ऐसा हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर पाए। फिर भी जितना हो पाता है करके दिखाते हैं आप सभी से। और अभी चलते 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 हैं आगे, एक और मंदिर है वहां पे और आप सभी को शेयर कराते हैं, घुमाते हैं। यहाँ भी फोटो शूट हो गया क्या? यस। ये देखिए कुछ नया चीज दिखाते हैं। और ये देखिए लाइट लगा हुआ है और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि आप पानी का जो फुहारा मारता है उसके लिए है। और यहाँ स्टेडियम बना हुआ है, ये देख लीजिए बैठ कर यहाँ पे, तो हम लोग इसको उद्घाटन कर दिए हैं हम और छोटन। कितना मस्त बना हुआ है देख सकते हैं और काफी ज्यादा जो है मजा आ रहा है। बारिश हो रहा है रिमझिम रिमझिम और इसी में कैमरा भींग रहा है और मैं बिल्कुल काला कर लूठा यहाँ आ रहा हूँ कैमरे में। दोस्तों अभी जो है मिले हैं बाबा गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अस्थि जो है 7 भाग हुआ था, तो यहाँ पे एक दफनाया गया है ना, 8 भाग। तो चलिए जानते हैं बाबा से कुछ है। बहुत बताएंगे, ये भगवान बुद्ध यहाँ आए हैं प्रथम सारनाथ में, 5 गो पंडा को दीक्षा दिए हैं, भिक्षुक बनाए हैं, और यहाँ 503 गो महिला को दीक्षा दिए हैं। अच्छा है कि नहीं, उसके बाद भिक्षुनी बनाए हैं, है कि नहीं। तो
हिये से चालू है बुद्धम शरणम गच्छामि, अने हुआ सारनाथ में पांच को नॉट जेंट्स को बनाए थे, महिला को बनाए थे, अहिये से आदेश अनुमति महिला को दिए थे पढ़ने के लिए, पूजा प्रधान में जाने के लिए। तो पहले लोग पूजा प्रधान में नहीं जाने देता था कि यह या न पढ़ने देता था कि पढ़ के क्या करेगा, इसको मत पढ़ावो। अच्छा। लेकिन भगवान बुद्ध कहे कि नहीं, इसे संघ में शामिल करो, आई पढ़ेगा ही, बेटा बेटी को दोनों को पढ़ाओ। लेकिन तो आज महिला जो है कितना आगे हो गया उस दिन से जिसका कि कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद में भगवान बुद्ध आए हैं माघ महीना में, अब बोले हैं और ज्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन माघ में आए हैं और कहे हैं कि मात्र हम अब 3 महीना रहेंगे, है कि नहीं, फागुन चैत बैसाख पूर्णमासी के दिन कोशी नगर में महापरि हम निर्माण लेंगे। कोशी नगर में चलने के समय यहाँ के राजा कहा कि भगवान ये रहिए आना तो हमें कुछ चिनासी दे दीजिए। कहें कि क्या चिनासी दे दे, हमारे पास क्या है, लोग भिक्षा पात जो है खाने वाला मांग के वो ले लो। तो भिक्षा पात दे दिए, तो ऊपर का जो छावनी है भिक्षा पात का नक्शा बना हुआ ये वाला, हाँ ये वाला भिक्षा पात इनकी प्रतिमा जो बना हुआ है उसके नीचे रखा गया है। अच्छा, उनके नीचे यहाँ पे ये जो है नहीं सामने जी बना हुआ रख है वो जगह, उसके नीचे है ना। उसके बाद में कोशी नगर चले गए, कोशी नगर में एक दम तोड़ दिए, तो 7वां दिन में इनके देह में आग लगा। 6 दिन तक ले झगड़ा होते रह गया, हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे, राजाओं लोग लड़ने लगा, इनका पत्नी भी आदमी कपिल वस्तु, तब जाके इनका 8 भाग हुआ था, 9 को रतन बना था, 9 रतन। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इतना ज्यादा जाने हमारे बाबा से, और इतना तो कोई नहीं जानता था, और हो सकता है कि अगर आप लोग इतना जानते थे तो कमेंट करके बताना, बहुत ज्यादा बताया गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध जो है यहाँ वैशाली आने का जो उद्देश्य था मेरा संपन्न हुआ, पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, और अपना आशीर्वाद जरूर दे दीजिए मुझे। तो बाबा साहब आशीर्वाद ले लिए हैं, अब जो है ये वीडियो बिल्कुल वायरल जाएगा, नहीं हुआ वायरल जाएगा ना। अभी जो है जिस पार्क में है, इसी पार्क में जो है गौतम बुद्ध का कोई एक भाग जो है दफनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध का जो है 8 भाग हुआ था। जैसे कि वीडियो में आप सभी को पहले ही देखने को मिल गए होंगे, जो बाबा यहाँ पे थे वो बताए हुए हैं A to Z डिटेल्स में बताए हैं, और इतना ज़्यादा डिटेल्स बताए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा मेन पार्ट उनका हम रखे हुए हैं। परफेक्ट। अभी जो है अब टाइम हो गया है 3, और सारा लड़का जो है अब जाएगा घर। जैसे कि आप देख सकते हो सब जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है जाने के लिए, सब गेट पे, और यहाँ से हम लोग निकलते हैं अब अपने घर। और रहा बस फोटो शूट करने के लिए, तो भाई इतना लड़का को फोटो शूट करते करते मुझे खुद को टाइम नहीं मिला कि मैं खुद का फोटो शूट कर लूँ, बट किया हूँ, बहुत कम किया हूँ। फिलहाल अब चलते हैं। वैशाली में जितने भी जगह था सब घूम लिए हैं, एक जगह बाकी था, जैसे देख सकते हैं वैशाली में अशोक स्तंभ बाकी था, और यहाँ अशोक स्तंभ के सामने आए हुए हैं, और इसका टिकट जो है 25 रुपये लगा है, 15 साल से ऊपर कलर के का, 15 साल के नीचे का फ्री में है जी। और यहाँ पे राजा मंत्री वगैरह जो भी बैठ के फैसला करते थे वही चीज़ है, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसके बाद जो है पार्क है, जो आप सभी को दिखा दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, और अकेला नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे सारे बच्चे आए हुए हैं, देख सकते हैं। परफेक्ट। और ये रहा अशोक स्तंभ जो 12 वाला है ना, वहाँ राजा बैठता था, फैसला करता था, ये सब मंत्री वगैरह का, ये सब जितना छोटे छोटे ये सब मंत्री वगैरह, और यही सब कुछ है, उतना तो खास पता नहीं है। और ये पासी में नदी है नहाने वहाने के लिए, जो राजा के वाइफ वगैरह नहाती होगी, लड़की वगैरह नहाती होगी इसमें, और ये स्मार्ट बन जाती होगी। तो दोस्तों फाइनली जो है 10 बजे घर आ गए हैं, 10:30 हो रहा है, और आज जो है वैशाली का जो भी सीन था आप सभी को देखने को तो मिल ही गया होगा, बिल्कुल थक चुके हैं। और ये ऐसा एक्सपीरियंस मेरा पहली बार रहा ब्लॉग बाहर में जाकर शूट करने का, धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा दुकान पे आज काम नहीं हो पाया, फिर भी जो है मैं लिस्ट आप सभी को दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि उतना तो दिखेगा नहीं। डेट वगैरह इसमें सब है 8/9/2023। इनकम जो है आज 1100 रुपये दुकानों में आए हुए हैं,
दो शॉर्ट पेंट गया है और एक बकाया मिला है, तो 1100 आए हुए हैं। और आउटपुट कितना हुआ है स्टिचिंग की बात करें तो आज तक एक भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने नहीं सिला है। और मैं वीडियो में वही बताता हूँ जो मैं खुद से काम करता हूँ, परफेक्ट जो चिला वगैरह काम करता है उसका मैंने मीना नहीं रखा, ठीक है। और ये देखिए आज जो खर्चा हुआ है 20 रुपये पानी में हुआ है, और 10 रुपये बिस्कुट खाए हैं पूरे दिन भर में, और 30 रुपये गाड़ी स्टैंड में गया है, और तेल वगैरह का जो है वो दोस्ती समझा है 200 का तेल डलवा दिया है, तो वो तो छोड़ो दोस्ती आने में, और 500 रुपया आते ही तो ही मुझे सूद पे करना पड़ा। लाइफ में सब कुछ करना कर्ज से बचकर, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो मेरा रियल लाइफ स्टाइल है ना, जितना मैं अभी परेशानी से जूझ रहा हूँ कोई नहीं समझता है, नहीं समझने वाला कोई होगा। मर्द का दर्द कोई नहीं जानता है, वो खुद ही तुम ही जानोगे। इसलिए लाइफ में कभी भी चाहे जितना दुख आ जाए मुसीबत आ जाए किसी के साथ शेयर मत करो, खुद मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, ये नहीं दूसरे को दिखा कर, यकीन नहीं करोगे। मैं सुबह को 4 बजे मेरा अलार्म है, चाहे जितने बजे रात के सोता हूँ 12 बजे 1 बजे 4 बजे जग जाता हूँ। ये मैं 1 तारीख से अभी रूटीन बनाया हूँ, और मैं रूटीन नहीं दिखा रहा हूँ आप सभी को। मैं रूटीन क्यों नहीं दिखा रहा हूँ कि मज़ा ही नहीं आएगा, ये दिखाऊंगा जब मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर जाकर वो दिखाऊंगा कि कौन कौन सा चैलेंज मेरा कंप्लीट हुआ और कौन कौन सा बकाया रह गया, ताकि इससे भी आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा और आप भी लाइफ में कुछ कर पाओगे। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और इसमें से डाटा अभी ट्रांसफर करेंगे, फिर सुबह उठ के मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे आरएस फैशन डिजाइनर बुटीक में जाके सीख लेना, क्योंकि इसमें भी कमेंट आते हैं सर मशीन जो है बार बार धागा काट रहा है, इसका क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इस पर तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए मशीन धागा कब काटता है, जब आपका नीडिल खराब हो, नीडिल को चेंज कर लेना और समय समय से तेल डालते रहना। मशीन चला गया ना चलाओ डेली तेल डाल के उसको 1-2 बार चला दो, ताकि आपका मशीन का नीडिल शटर सही रहेगा। अगर उससे भी सही नहीं हुआ तो सुई चेंज कर लेना, क्योंकि सुई का ज़्यादा चोक होने कारण नोक होने कारण वो काटने लगता है। अगर उससे भी ना सुधरे तो आपका शटर में प्रॉब्लम है, मिस्त्री से दिखाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग मुझसे हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें और खुशियाँ बांटा करें।